हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, ये वीडियो में मैं सभी का डाउट क्लियर कर दूंगा कि @YBL जो है, ये UPI का जो ID है, आप इसे ID भी बोल सकते हैं, @YBL को, मतलब एक पैसा कटने वाला UPI ID भी बोल सकते हैं। तो आज ये वीडियो में सभी के डाउट क्लियर कर दूंगा, आखिर ये है क्या, क्यों अननोन अकाउंट से ये पैसा कट रहा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, @YBL जो है, मैं पैसा कहाँ कहाँ कट रहा, मेरे मोबाइल स्क्रीन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन पे है, पेटीएम है, भीम है और गूगल पे है। ठीक है, ये चारों UPI का एक ऐप है। और @YBL जो है, इसमें पहला जो फ़ोन पे है, फ़ोन पे का UPI ID था। तो फ्रेंड, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा यस बैंक में कुछ गड़बड़ी के कारण यस बैंक दिवालिया हो गया और यस बैंक का बहुत सारा नुकसान हुआ। तो फ्रेंड, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये यस बैंक का ही YBL है। तो फ्रेंड, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि ये YBL जो है, अधिकतर फ़ोन पे और गूगल पे से पैसा कटता है। जैसे कि अभी इंडिया में बहुत सारा लोग फ्री फायर खेलते हैं, ठीक है, फ्री फायर खेलते हैं, अधिकतर ये पैसा फ्री फायर ऑनलाइन गेमिंग के थ्रू ही कट रहा, बहुत कोई का, जैसे 500, 1000, 400, 100, किसी किसी का 2000, किसी किसी का 4000। अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कितना कट रहा, मेरा कमेंट आया नीचे, मैं इसलिए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारा आदमी का बहुत ही पैसा कट रहा YBL से। तो फ्रेंड, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये पैसा दोबारा नहीं कटेगा, इसका एक कुछ करना होगा आपको। तो फ्रेंड, जब आप फ्री फायर का टॉप अप करते हैं, तो आप फ़ोन पे से करते होंगे, गूगल पे से करते होंगे, पेटीएम से भी करते होंगे, ठीक है, अधिकतर लोग फ़ोन पे या गूगल पे से ही करता है। तो फ्रेंड, जब आप UPI ID डाल के वहाँ पे, जब आपका UPI ऐप खोल के पेमेंट करते हैं, तो फ्रेंड UPI ID वो गूगल पे और वो गेम का सर्वर में सेव हो जाता है, ठीक है, गेम का सर्वर में सेव हो जाता है। और सेव होने के कारण फ्रेंड, ये आपका अकाउंट से कुछ कुछ पैसा काटते रहता है। तो इससे बचने का यही कारण, एक उपाय है कि आपको जब भी गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम से गेम का रिचार्ज या और कुछ का, इंटरनेशनल शॉपिंग या बहुत सारा गेम अभी है इंडिया में, तो उसमें YBL से ही पैसा कट रहा ज़्यादातर। तो आप जब भी UPI ID से, तो फ्रेंड ये YBL के बारे में बहुत मैंने बहुत सारे रिसर्च किया और रिसर्च से यही पता चला कि आप जब भी UPI के ज़रिए कोई भी गेमिंग का रिचार्ज करिएगा, तो अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइएगा और वहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री जो है, पेमेंट हिस्ट्री में जाइएगा और वो UPI को डिलीट कर दीजिएगा, जिससे कि वो आपका अगला सर्वर में सेव नहीं रहेगा। ये तभी होता है जब आप एक बार रिचार्ज करते हैं तो दूसरा बार कटता है, ये अपने आप नहीं कटता है किसी का, यदि आप इसका यूज पहले कर चुके हैं तो दोबारा कटता है। तो इससे अच्छा आपको फ्रेंड, तो फ्रेंड जब भी आप यूज करिएगा गूगल का रिचार्ज, मतलब जब भी आप दोबारा गेम का रिचार्ज करिएगा, तो आप रिडीम कोड का यूज करिएगा, रिडीम कोड गूगल पे में और फोन पे में, हर जगह पेटीएम में, हर जगह रिडीम कोड मिल जाएगा। रिडीम कोड से रिचार्ज करने से आपका ये फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि ये एक बार रिचार्ज होता है। तो फ्रेंड यही था वीडियो, क्यों आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और दोबारा फ्रेंड, थैंक यू सो मच।